इसकी आय करने का तरीका बहुत लेट है भाई। गेट देख रहे हो गाइस, पुराने जमाने में ना ऐसे गेट्स होते थे, यहाँ से और सीढ़ियाँ, आप यहाँ चले जाओगे। Hey guys, this is Martin Sharma and you're watching Cycling on Nothing. और guys, आज मैं फिर निकल गया हूँ नथिंग करने और आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ फरीदाबाद का एक अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है, राजा नार सिंह पैलेस, जो कि मतलब फरीदाबाद से मतलब थोड़ी सी दूर है बल्लभगढ़ में, तो हमारे लिए तो फरीदाबाद ही एक तरह से, हम क्योंकि ऐसे ही चले जाते हैं घूमते फिरते। और ये मेरे साथ है आज विशांत। इसकी आय करने का तरीका बहुत लेट है भाई। बाकी गाइज, ये मेरे साथ वो जो फरीदाबाद जो मेले में गया था मैं महोत्सव में, उसमें था मेरे साथ, अगर आपने वो वीडियो देखी तो देख लेना। फिलहाल आज हमारे साथ चलिए और मैं आपको बताता हूँ वहाँ पहुँच के कि क्या सीन है वहाँ का। गाइज ये देखिए, दो द्वार है, एक महाराजा अग्रसेन द्वार है, ये आपको इस वो मतलब इस हीरो की तरफ वजह से दिख नहीं रहा होगा, बट हमें सीधा जाना है राजा नार सिंह द्वार में, सीधा सीधा सीधा, और बस यहाँ से 2 मिनट की दूरी पे है। गाइज ये देखिए, हम वहाँ से द्वार से राजा नार सिंह द्वार से अंदर घुसते हैं। अब ये यहाँ से हमें लेफ्ट है, सीधा ही आए थे, बस ये लेफ्ट है, फर्स्ट आपको रोड पे ही दिख जाएगा, बस अब हम यहाँ से लेफ्ट हो रहे हैं। ले लीजिए लेफ्ट, ले लीजिए थर्ड पैड। गेट देख रहे हो गाइज, तो मतलब मैं आपको बता दूंगा, अगर आप यहाँ आना चाहें ना तो आप यहाँ मेट्रो से मतलब सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, वैसे तो अपने व्हीकल से भी आ ही सकते हैं जैसे हम आए हैं, बट आप मेट्रो से आके राजा नार सिंह मेट्रो से उतर के अपना वहाँ से ऑटो ले सकते हैं आराम से, आपको यहाँ छोड़ देगा। गाइस ये देखिए, इनके बारे में राजा नार सिंह के बारे में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए, वैसे तो मैं आपको अभी अंदर पहुँच के सारा दिखाऊंगा भी और बताऊँगा भी, बट फिर भी आप ये पढ़ भी सकते हैं। गाइस ये हम एंट्री कर रहे हैं और ये गेट है मेन, और ये देख लीजिए, पुराने ज़माने में ना ऐसे गेट्स होते थे ताकि अगर कोई भी मतलब जैसे दुश्मन अटैक करे तो उसकी बसंती मतलब वही उसके अटैक ना और उसे चुप जाइए, वैसे हाथी के थ्रू भी अटैक होते थे ना पहले, तो हाथी ऐसे गेट्स पे वो नहीं करता था, मतलब अटैक नहीं करता था, तो पता होता था कि हो जाएगा काम उसका। बाकी अंदर लेके चलते हैं आपको, ये तो मतलब ना इतना कोई बड़ा नहीं है फोर्ट, ये देखिए इसका मेन कोर्ट यार्ड है, सेक्सी, वाह, थोड़ा अबैंडेंड सा ही है गाइस, ये ना मतलब अबैंडेंड तो क्या, अनएक्सप्लोर्ड है, इतना लोगों को पता नहीं है तभी देख लीजिए, पर मेंटेन तो है ये। और बाहर गाइस लिखा हुआ था कि यहाँ 20 रुपये पर हेड एंट्री है, बट हमने देखा यहाँ कोई बैठा नहीं था तो इसलिए हम चुपचाप चोरों की तरह अंदर घुस चुके हैं। मत करो, रहने लो, रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा। गाइस ये देखिए, पूरा कोर्ट यार्ड है, अब यहाँ से हम आपको ऊपर लेके चल रहे हैं और ऊपर पहुँच के इसके बारे में आपको पूरा बताते हैं। देख रहे हो अलग अलग सीढ़ियाँ, यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे और यहाँ से और सीढ़ियाँ, आप यहाँ चले जाओगे और वहाँ भी पहुँच जाएंगे, मतलब अभी लेके चल रहे हैं आपको हर जगह और दिखाते हैं आपको सारा। हिस्ट्री बता दूँ, ये पीछे में इसका एंट्री गेट है और ये जो राजा नार सिंह थे यहाँ के मतलब 18th century में ना बल्लभगढ़ के किंग थे, और जो ये फोर्ट बनवाया ये उनके एंसेस्टर्स ने बनवाया था, राजा राव बलराम सिंह ने, और जो मतलब उन्हीं के नाम पे बल्लभगढ़ का नाम पड़ा है। और जो राजा नार सिंह थे उनका जन्म हुआ था 1821 में, और फिर 1839 में उनकी सडनली पिताजी की डेथ होने के बाद उनको यहाँ का किंग बना दिया गया था, और 1850 में उन्होंने ये फोर्ट पूरा कंप्लीट करवाया, इसलिए इसको राजा नार सिंह मतलब फोर्ट तो क्या पैलेस ही है ये, फोर्ट में इतने फोर्ट घूम गया ना इसलिए फोर्ट ही चल रहे दिमाग में, बट ये पैलेस ही आप देख लीजिए, इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है ये। और गाइस मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि जो 1857 में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें भी मतलब राजा नार सिंह का काफ़ी बड़ा रोल रहा है, और जो मतलब ब्रिटिशर्स थे ना वो हमेशा से इनको पकड़ना चाह रहे थे, बट ये काफ़ी डेयरिंग और काफ़ी करेजियस वो थे मतलब किंग थे,
तो इस वजह से उन्होंने वो नहीं किया, उनके हाथ नहीं आया वो, तो उन्होंने उनको ना मतलब वो करके धोखाधड़ी करके बुला लिया कि हम आपसे मतलब सुलह करना चाहते हैं और बहादुर शाह जफर जी से भी सुलह करना चाहते हैं तो आपके सामने करेंगे, तो आप आ जाओ। तो दिल्ली बुला लिया उनको, और फिर जैसे ही वो दिल्ली पहुँचे तो उन पर झूठा केस लगा के उनको मतलब बंदी बना लिया, और 1858 में उनको चांदनी चौक की तरफ मतलब वहाँ पर फांसी दे दी। आप गाइस कोइंसिडेंस देखिए, जो मेरा लास्ट ब्लॉग था वो भी मतलब ओल्ड दिल्ली का ही था, और इनको जो फांसी दी है वो भी ओल्ड दिल्ली के एरिया में दी है, तो मे भी हो सकता है जहाँ मैं लास्ट ब्लॉग में घूम रहा हूँ वहाँ पर भी शायद वहीं कहीं मतलब इनको फांसी दी हो। और गाइस मैं एक चीज़ आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर ना आप मतलब ये शादी के लिए भी आप बुक कर सकते हो, जैसे आप और भी मतलब जो वो होते हैं जैसे पैलेसेस होते हैं राजस्थान के, वो भी मतलब जैसे आप बुक करते हो ना तो ये भी आप बुक कर सकते हो। और यहाँ पे ना रेस्टोरेंट भी है, यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पे सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी। नीचे की तरफ रेस्टोरेंट्स हैं और ऊपर की तरफ आपको रूम्स भी अवेलेबल मिल जाएंगे यहाँ पे, मतलब ये जो ये है यहाँ रूम्स भी मिल जाएंगे, और रूम्स के प्राइस मतलब भाई आपको लगा लो 2500 से लेके 3000 के बीच में पड़ जाएंगे। और मतलब वही है कि मतलब काफ़ी अच्छी जगह लगी यार हमें तो। बाकी हम आपको ना यहाँ पे इनके नाम पे मतलब राजा नार सिंह मेट्रो स्टेशन भी है, वहाँ आपसे सी ऑफ करेंगे, और एक बार ये हम आपको यहाँ से पूरा व्यू दे देते हैं। और ये देखिए ये जो स्विमिंग पूल भी रहा होगा, राजा मतलब हमारे बड़े रंगीन मिजाज के रहे होंगे, यहाँ पे ना नाच वाच होता होगा, देखते होंगे अपना बढ़िया तरीके से। अब यहाँ मंडप लगेगा अगर किसी की शादी होगी कोई बुक कराएगा। बाकी ठीक है गाइस, हम आपको लेके चलते हैं फिलहाल बाहर, और फिर वहाँ सी ऑफ तो वहीं करेंगे, आपको मेट्रो भी दिखा देंगे। कि आपको पता होना चाहिए ना कि फरीदाबाद में भी ऐसी ऐसी जगह है, और फरीदाबाद के जो मतलब बल्लभगढ़ के जो किंग रह चुके हैं उनके नाम पर भी यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं। ये देखिए यहाँ पे उस टाइम का झूला भी पड़ा है जहाँ पे मतलब राजा और रानियाँ मतलब झूलती होंगी उनके साथ। ये देखिए देख रहे हो, अभी मैं आपको झूल के दिखा देता हूँ कभी टूट जाए। बढ़िया राजा रानी झूलते होंगे, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। गाइस हम फाइनली बाहर आ गए हैं वहाँ से राजा नार सिंह पैलेस से, बट हम बहुत तेज़ बनने की कोशिश कर रहे थे कि हम फीस मतलब टिकट नहीं लेंगे, 20 रुपये की एंट्री है और पार्किंग तो फ्री है यहाँ पे, बट वो ये कि हम सोच रहे थे कि हम तेज़ बन गए, हमने पैसे नहीं दिए, बट अंदर हमें दबोच लिया उन्होंने और कहा कि पैसे देने पड़ेंगे वरना आप यहाँ घूम नहीं सकते, तो हमने वही दे दिया। अब तो मतलब भैया चोट लग रही है हमें ना, 20 रुपये खर्च हो गए हमारे, 40 इनफैक्ट। मैं गरीब हूँ। तो चलिए ठीक है, अभी आपसे सी ऑफ करते हैं, आपको राजा नार सिंह का दिखाते हैं मेट्रो स्टेशन फिर। चलिए गाइस ये देखिए मेट्रो खत्म, ये वॉयलेट लाइन का ना लास्ट मेट्रो स्टेशन है, ये देखिए ये मेट्रो यहाँ खत्म, मतलब आगे अगर कंटिन्यू कर सकते हैं बट अभी यहाँ लास्ट ही है। और ये देखिए राजा नार सिंह मेट्रो स्टेशन है, ये उन्हीं के नाम पे बना है जहाँ का अभी आपको हमने मतलब पैलेस दिखाया जिनके नाम पे, तो वही है बस। ये देखिए हमने आपको मेट्रो स्टेशन दिखाना था, दिखा दिया, और ये वॉयलेट लाइन पर आप यहाँ से ही मतलब आएंगे तो यहीं से ही आए और अपना बढ़िया अपना यहाँ से नीचे उतर के अपना रिक्शा वगैरह ले सकते हो और अपना वो आपको वहाँ छोड़ देगा। और बाकी तो टाइमिंग्स तो मैंने आपको नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ फिलहाल, और टिकट तो मैंने आपको बताई थी 20 रुपये की, उन्होंने हमें लूट लिया है, बट यही है कि टाइमिंग्स जो यहाँ के ये है कि सुबह मतलब 9 बजे से लेके रात को 11 बजे तक है। और विशांत से पूछ लेते, विशांत कैसा लगा आपको? विशांत तो थोड़ा कह रहा है कि ठीक ही था। विशांत को मतलब वही है कि हमें ना थोड़ा दुख हो गया, मतलब हमसे पैसे ले लिए ना उसने 20-20 रुपये, तो इस वजह से थोड़ा हम बोल रहे कि मतलब उसमें नहीं है, मतलब मैं तो खैर हूँ, विशांत नहीं है। तो फिलहाल ठीक है गाइस, बाकी मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरे को यार कमेंट करके बता दो यार, थोड़ी शर्म ही कर लो कि मतलब कहाँ जाना है मुझे नेक्स्ट, कहाँ लेके जाना है। बाकी जहाँ मतलब मैं जा पा रहा हूँ आप सबको लेके वहाँ तो जा ही रहा हूँ, जहाँ मेरे को खुद समझ आ रहा है कि जाना चाहिए। बाकी आप भी बताओ यार फिर, ताकि आपकी मतलब चॉइस के हिसाब से जाए हम जहाँ भी जाए। बाकी ठीक है गाइस, फिर मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलता हूँ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द अपकमिंग वीडियोज़ गाइस, बाय।